इस वक्त के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर के सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं और यही मानते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले, हरियाणा से खबर आ रही है बीजेपी उम्मीदवारों का भारी विरोध। किसानों ने पूछा, हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका गया, क्यों बिछाई गई रास्ते में कीले। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के प्रत्याशी अब खदेड़े जाने लगे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचार करना मुश्किल हो गया है। विरोध इतना जबरदस्त है कि पुलिस की सुरक्षा में बमुश्किल वहां निकल पा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब अभी सभी दलों के उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह विरोध देख पसीना आ रहा है। विरोध किसान कर रहे हैं, उनके सवाल भी वही हैं। वह पूछ रहे हैं, आखिर दिल्ली जाने से हमें क्यों रोका गया। ना सिर्फ उन्हें रोका गया बल्कि दुश्मन देश की तरह उनके साथ में व्यवहार किया गया है। ये यहां पर देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी अब खदेड़े जाने लगे हैं, उनके लिए प्रचार करना भी अब मुश्किल हो चुका है। ये जमीनी हालात हमने आप लोगों को बताए हैं। बीजेपी 400 पार का नारा भले ही दे रही हो, लेकिन जमीन पर हालात इस बार के चुनाव में कुछ अलग हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एक और जो बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले का खुला ऑफर। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और जेल के भी दरवाजे खुले हैं, जिधर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये बयान मोदी के मंत्री ने दिया है, यानी कि खुले तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बयान जारी किया है मंत्री ने, और जिसके बाद में वे अब हो रहे हैं ट्रोल। मोदी के कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों के लिए दो दरवाजे हैं, पहला दरवाजा जेल है और दूसरा भाजपा में शामिल हो जाओ। साथ में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे यहां पर रमेश पोखरियाल निशंक भी मुस्कुरा करके सहमति दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अगर कोई जाता है तो वह यहां पर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और अब तो ये बातें मोदी के कैबिनेट मंत्री भी खुलेआम कहने लगे हैं, यानी कि केजरीवाल जो आरोप लगा रहे थे कि अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो उन पर कोई भी मुकदमा नहीं रहेगा जो फर्जी तरीके से लगाया गया है, वो अठावले के बयान के बाद में अब सही भी साबित हो रहा है। बीजेपी की यही नीति है, भ्रष्टाचार चाहे जितना भी करो लेकिन या तो पार्टी में आ जाओ या फिर जेल जाओ। आप लोगों की क्या कुछ राय है मोदी के मंत्री के इस बयान पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बिहार की राजनीति में अचानक से उलटफेर। आरजेडी अपने कोटे में से उस 26 में से 3 सीटें यहां पर देगी मुकेश सहनी की पार्टी को। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान यहां पर कर दिया है। बताते चलें आप लोगों को, तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी अपने कोटे की 26 सीटों में से मुकेश सहनी को 3 सीटें देगी। मुकेश सहनी की पार्टी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी मिली है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझे खुशी है कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ में हैं। महागठबंधन के सभी सहयोगी हमारे गठबंधन में उनका स्वागत करते हैं। मुकेश सहनी ने भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले मुकेश सहनी ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि आज हम लोग महागठबंधन इंडिया गठबंधन में जुड़े हैं, निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़नी है। हम हमेशा लालू यादव की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने कहा है कि आपने तो देखा ही है कि भाजपा ने किस तरह से हमारे विधायकों को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया। और वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी माई के लाल में दम नहीं है जो हमारे देश के संविधान को बदल सके, लोकतंत्र को छीन सके। ये तेजस्वी यादव ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है दोस्तों, बताते चले आप लोगों को यहां पर,
कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पार्टी ने नहीं, हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है, हमने सिर्फ लिखा है, ये बात यहां पर राहुल गांधी ने कही है। जी हां दोस्तों, बताते चले कांग्रेस के घोषणा पत्र में खास क्या कुछ है। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया गया है, मतदान ईवीएम के जरिए होंगे पर वीवीपैट की पर्ची से मिलान होगा, आरक्षण पर 50% की कैप हटेगी, 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की यहां पर नौकरियों में 50% पद उनके लिए आरक्षित होंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाएगी और यहां पर अग्निवीर योजना को उखाड़ फेंका जाएगा, गरीब परिवार की महिलाओं को 1,00,000 रुपए सालाना दिया जाएगा, खाली पड़े 30,00,000 पदों की भर्ती की जाएगी। ये यहां पर काफी महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं, गारंटी दी गई है जनता के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोस्तों। यानी कि ये वो मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं, ना कि बीजेपी की तरह ऊट पटांग यहां पर वादे करते हैं और फिर उन्हें निभाते भी नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी सालाना, लेकिन क्या 2 करोड़ रोजगार दिए गए? आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं, हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है, हमने इसको सिर्फ लिखा है, इसमें रोजगार कॉन्ट्रैक्ट या फिर मजदूर की बात है, हमने हजारों लोगों से बात करके लिखा है, हम जनता के साथ मिलकर के उनके लिए लड़ते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि आरएसएस और बीजेपी ने और खास तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको समझना होगा। नरेंद्र मोदी ने ईडी और सीबीआई के जरिए पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है, हमारे अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, जो भी भ्रष्ट हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। बड़ी अपडेट आ रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। नरेंद्र मोदी हमेशा ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन उन 10 वर्षों में कांग्रेस ने मनरेगा, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण कानून, शिक्षा का अधिकार सहित कई बड़े कदम उठाए हैं। मनरेगा और खाद्य सुरक्षा के पीछे सोनिया गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी इसके मुकाबले अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी काम नहीं कर सके हैं, ये कहना है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने लिया है केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर। बड़ी अपडेट आ रही है, संजय सिंह का बड़ा आरोप बीजेपी ने किया है, महाघोटाला, शराब कारोबारी ने दिया 55 करोड़ का चंदा। जी हां दोस्तों, दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी ने खुद घोटाला किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने शराब कारोबारी से 55 करोड़ रुपए का यहां पर चंदा लिया है। देख सकते हैं कि काफी गंभीर आरोप लगाया है कि 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया है बीजेपी की तरफ से, जिस पर घोटाले का आरोप था, बाद में उसे छोड़ भी दिया गया, ये कहना है संजय सिंह का। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर ना है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।